हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इसी महीने मतलब 15 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है बॉलीवुड की मूवी बेटा, जिसके अंदर हमें ऐसे लीड के तौर पर जॉन अब्राहम, सरवर डिबक, अभिषेक बैनर्जी, आशीष विद्यार्थी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे बेदा मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज 10 डेज के आसपास का कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी के 10 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे बेदा मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 60 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 2000 के आसपास के ही स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से ही मार्केट में हाइप थोड़ा सा कम ही था, जिसके ऊपर से ये मूवी जिस टाइम पे थिएटर में रिलीज हुआ है उस टाइम पे इस मूवी के ऑपोजिट हमें स्त्री 2 जैसी मूवी देखने को मिला है, तो उसी के चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो हमें काफ़ी कम देखने को मिला। और ये मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 6 करोड़ 25 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू उतना अच्छा ना निकलने की वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें एक्सट्रीम लेवल पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे बेदा मूवी अपनी रिलीज होने के लगभग 9 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 17 करोड़ 45 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है। इसी के साथ ये मूवी अब तक ओवरसीज से भी लगभग 3 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 10 को लगभग हमारे इंडिया से 60 लाख के आसपास का ही कलेक्शन किया है, जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 9 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अभी बेदा मूवी के 10 डेज का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो लगभग 18 करोड़ 5 लाख के आसपास का ही जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के ओवरसीज के कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अभी बेदा मूवी के 10 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 23 करोड़ के आसपास का ही जाता है। जो कि एक 60 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए कितना कम कलेक्शन है, इसका अंदाजा आप लोगों को अलग से लगाने की जरूरत है नहीं। जहाँ पे इस मूवी को अगर बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था तो इसे 70 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जो कलेक्शन ये मूवी किसी भी हालत में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसका अंदाजा तो हमें बहुत पहले लग चुका था। जहाँ पे इस मूवी के मेकर्स इस मूवी के अंदर एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कहानी दिखाने का प्रॉमिस तो ऑडियंस से करता है, बट एट दी एंड इस मूवी की कहानी एक वन टाइम वॉचेबल एक्शन मसाला मूवी ही बन के रह जाता है। तो उसी चीज के चलते ऑडियंस इस मूवी को लेकर काफी डिसअपॉइंटेड है, जिसके वजह से मूवी का रिव्यू भी काफी खराब निकल के आया और इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी धीरे धीरे हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर ये मूवी थिएटर से एक फ्लॉप का टैग लेके निकल भी जाएगा। वैसे उस तो आप लोगों ने अगर बेदा मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेके क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।